पहनूं कौन सा ड्रेस पहनूं कुछ समझ में नहीं आ रहा ये gosh what I'm so confused help me no तनु कहीं बाहर जा रही हो नहीं तो वो एक्चुअली मैं रिहर्सल्स के लिए तैयार हो रही हूँ पता नहीं मैं क्या पहनूं तानिया इतने सारे ड्रेसेस हैं आई रियली डोंट नो व्हाट टू वेयर सो डिस्गस्टेड तानिया इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे इन माई लाइफ पता है तानिया आज हम सब इनॉग्रेशन पार्टी की रिहर्सल करेंगे और हम में से जो भी एक लड़की सबसे अच्छा परफॉर्म करेगी उसे अपने साथ परफॉर्म करने के लिए अंगद खुद सेलेक्ट करेंगे और मैं चाहती हूँ कि वो लकी वन मैं ही बनूँ आप प्लीज जाके सबको इन्फॉर्म कर दीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे परफॉर्मेंस के वक्त सब वहाँ मौजूद हो तनु तुम जिसे चाहो अपने साथ ले जा सकती हो पर प्रतीक नहीं व्हाट लेकिन मैं तो सबको लेके जाऊंगी व्हाट्स योर प्रॉब्लम मैंने एक बार कह दिया प्रतीक नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा इज दैट क्लियर ओके मैं इस बारे में निशान चाचू से बात करूंगी फाइन डोंट वरी तनु मैं अभी तानिया से बात करता हूँ निशांत मैंने तनु से पहले ही कह दिया वो भीम बाली जिसे ले जाना चाहे ले जाए लेकिन प्रतीक उसके साथ नहीं जाएगा निशांत मैं नहीं चाहती प्रतीक वहां जाए क्यों तानिया सारे बच्चे वहां जा रहे हैं अगर साथ में प्रतीक भी चला जाएगा तो इसमें गलत क्या है मैंने कह दिया ना निशांत मैं नहीं चाहती प्रतीक वहां जाए तने एक बार आप खुद ही सोचिए सारे बच्चे वहां जाएंगे और प्रतीक अगर यहाँ घर में रहेगा तो क्या उसे बुरा नहीं लगेगा और फिर अकेले उसका मन भी नहीं लगेगा इससे तो अच्छा है मुझे तनु के निशान लेकिन तने आप मेरी बात तो निशान प्रतीक मेरा बेटा है मैं नहीं चाहती वो जाए मैं उसके डिसीजन ले सकती हूँ वो मैं देखिए तान्या मैंने प्रतीक को कभी भी अलग नहीं समझा है मैंने हमेशा उसे भीम और बाली की तरह ही माना है तीनों को एक ही तरह ट्रीट किया है शायद आप सही कह रही हैं आपका हक ज्यादा बनता है मेरा नहीं आपका बेटा है नहीं निशान मेरा वो मतलब नहीं था मैं नहीं था नहीं इट्स ओके उसके लिए सही क्या है गलत क्या है ये आप ही अच्छी तरह से तय कर सकती निशान प्लीज इट्स ओके अंगद ये है तुम्हारा स्टेज जहां पे तुम परफॉर्म करोगे ग्रेट अंकल ऐसे इनॉग्रेशन तो पहले कभी नहीं हुई होगी इतना बड़ा फंक्शन परफॉर्मेंसेस म्यूजिक डांस ऐसा तो लोग बड़े-बड़े पार्टीज में भी नहीं करते रियली आई थिंक इट्स सुपर्ब हम अभी से कितना कितना अलग हैं वी सो एडवांस जस्ट रिलैक्स डोंट गेट सो एक्साइटेड ओके रियली करन जोक्स अपार्ट मैं बहुत खुश हूं कि हमारे इनॉग्रेशन की डेट और मॉम का बर्थडे सेम दिन पे पड़ता है मेरे लिए इससे बेहतर दिन और कौन सा हो सकता है हमारे लिए अंगद अब सिर्फ तुम्हें परफॉर्मेंस के लिए अपना पार्टनर ढूंढना है बाकी सब तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी है और जो जो बाकी है वो मैं कर लूंगी यू डोंट वरी अबाउट दैट एज यूजुअल एज यूजुअल और सुर रिहर्सल हॉल में है तो चले चले
Hang on, that's wrong, huh? Wait. इस स्टेप में इतनी एनर्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं. I'll show you. Cool. Great. क्या हुआ? ओ अच्छा, मुझे एक्चुअली थोड़ा धुआं उड़ता नजर आया. मुझे लगा तुम थे. Who, me? No way. So, Kripa, how was it? How was what? कैसा लगा तुम्हें मेरा डांस? कौन सा डांस? मेरा डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा तुम्हें? ओह, वो डांस था. I'm so sorry. मुझे लगा तुम ऐसी लड़कियों के साथ वहां फिर रहे थे. Oh, someone's jealous. Jealous and me. वो भी तुम्हारे लिए. My fault. लगता है सब लोग रिहर्सल्स के लिए निकल गए, लेकिन प्रतीक कहाँ है? आज तो उसका हॉलिडे है और इस वक्त तो वो सो जाता है. फिर आई होप वो और लोगों के साथ वहां रिहर्सल पे ना चला गया. हेलो, वो रमेश ड्राइवर को जरा अंदर भेजना. रमेश, प्रतीक कहाँ पर है? प्रतीक बाबा तो तनु मैडम और बच्चों के साथ थोड़ी देर पहले ही बाहर चले गए. अच्छा ठीक है, तुम बाहर जाकर गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है. जी मैडम. नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर अंगद को पता चल गया. नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी. फ्रेंड्स, मैं जानता हूं आप रिजल्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड और टेंस्ड हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं नाम अनाउंस करूं, उससे पहले मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे थे. यू वर रियली गुड ऑल. और अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो प्लीज, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है. यू डोंट हैव टू बी सैड, क्योंकि आप तब भी स्कूल में रहेंगे और आपको बाकी शोज में परफॉर्म करने का मौका दिया जाए. सो द नेम्स आर तनु, भीम, बाली, अंगद. व्हाट अबाउट प्रतीक? वेल, प्रतीक ना ही सिर्फ सिलेक्ट हुआ बल्कि मेरे साथ फिनाले में भी परफॉर्म करेगा. मना किया था ना फिर क्यों आए तुम आखिर यहाँ पे? एक बार में समझते नहीं तो मना करने के बाद क्यों आए थे यहाँ? क्योंकि ये भी परफॉर्म करना चाहता है और तुम
इसे रोकने की कोशिश भी मत करना। ये मेरा पर्सनल मामला है, बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी। प्रतीक के साथ मेरा भी रिश्ता है। वो मेरा स्टूडेंट है और अगर तुमने उसे परफॉर्म करने से मना किया तो मैं इस बारे में निशान से बात करूंगा। ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सो मच। बाय। I don't believe this, Angad. Phone पर phone आ रहे हैं। तुम्हारे शो को लेकर पूरे मीडिया में एक्साइटमेंट, इतनी पब्लिसिटी हुई है कि पूछो मत। जगह जगह पर हमारे बैनर्स और बड़े बड़े बोर्ड लगे। I'm so happy, I can't tell. अंगद, इनफैक्ट यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर हमारा एक बड़ा सा होर्डिंग लगा। अंगद गाड़ी रुको, वो देखो हमारा होर्डिंग। अंगद रुको, देखो ना। अंगद ये सब हेलो अभी तो बैनर पे कैंसल लिखा है, ये समझाने के लिए कि अपना इनॉग्रेशन फंक्शन भी कैंसल कर लो, वरना वरना क्या क्या ये इनॉग्रेशन होके रहेगा। ऑलराइट, ओके, देन इट्स अ चैलेंज फॉर यू। मैं तुम्हारा इनॉग्रेशन नहीं होने दूंगा। ऑलराइट, मैं भी देखता हूँ तुम क्या कर सकते हो। कल कोई फैंसी ड्रेस पार्टी नहीं। तुम लोग समझते क्या हो? हाँ, मैं देखती हूँ ना कल किसे क्या पहनना है। चलो, बहुत रात हो गई है, कल सुबह डिसाइड कर लेना किसे क्या पहनना है। चलो जाकर सो जाओ अभी। ओके। अच्छा बच्चा पार्टी, लेट्स गो टू स्लीप। गुड नाइट। ठीक है, मैं आपकी टिकट भिजवा दूंगा। ओके। निशांत, आप ऑलरेडी कुछ कम काम कर रहे हैं, जो ये टिकट कोऑर्डिनेशन का भी काम शुरू कर दिया। आपकी प्रॉब्लम यही है, आप सबका बोझ उठा लेते हैं। अब चुप क्यों हैं? बोलिए कुछ। क्या बोलूं? आपने पहली बार इतने हक से डांटा है, बहुत अच्छा लगा। अब आपने मुझे दोस्त बनाया तो इतना तो हक है ना। आई होप यू डोंट माइंड। नो नो प्लीज। वैसे आप इनॉग्रेशन में आ रही हैं? या। वेरी गुड, बी रेडी ऑन टाइम। अब आई थिंक आप जाके सो जाइए, रात काफी हो चुकी है। ठीक है, मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। मैं इस तरह प्रतीक को अंगद के साथ नहीं छोड़ सकती। बच्चों, आज परफॉर्म करते वक्त कोई डरेगा नहीं, ओके? कोई नर्वस नहीं होगा, सब अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, ओके? यस करण आंटी। ऑल द बेस्ट। बीम वाली इधर आओ, लाओ मैं ठीक करती हूँ। कैसे पहना है उल्टा सीधा? सो बेटा, मैं अभी आती हूँ। अंगद, क्या बात है, परेशान लग रहे हो?
अंगद, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें ये शो कैंसिल कर देना चाहिए? नहीं कर, मैं किसी की झूठी धमकियों से डरने वाला नहीं। अब तो मैंने ये शो ना कैंसिल करने का चैलेंज ले लिया है। लेकिन अंगद, अगर उसने नहीं कर, नथिंग डू। और फिर करन, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कोई बिजनेस प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा सपना है। मैंने सब इंतजाम कर लिया है, यू डोंट हैव टू वरी। It will happen. No one can stop me now.